हेलो फ्रेंड, मैं मुश्ताक अंसारी आपको स्वागत करता हूँ अपने एक्सेल योर सेल्फ चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने हनी कोड की वेबसाइट ओपन कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि अपने लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था हनी कोड के इंट्रोडक्शन के बारे में, अगर आपको नहीं पता साइनअप कैसे करते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे प्ले स्टोर पे आप पब्लिश करते हो, कैसे आपको वीडियोस मिलेगा और आप कैसे कोई भी नया क्रिएट करते हो। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया और बोला भी कि ये आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे ऐप्स हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे प्ले स्टोर पे, मैं क्यों इसको यूज़ करूँ। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वो सब पेड फैन है, ये आपको फैसिलिटीज़ देता है आपको खुद से बनाने का, आपको मॉडिफाई करने का, आपको न्यू क्रिएट करने का, और ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। मैं तो मानता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिनका स्मॉल बिजनेस है। दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि करना क्या है इसमें। आपको लॉगिन करना है हनी कोड के वेबसाइट में। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको यहाँ देख सकते हो माई ड्राइव दिख रहा है। आपको करना क्या है, आपको क्रिएट वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्कबुक पे क्लिक करोगे, आपके पास तीन चार ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप इंपोर्ट टू CSV फाइल, इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड रिपोर्ट पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको इंपोर्ट कर दीजिए और उसके बाद आप उस पर ऐप बना दीजिए। या तो फिर आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से कर सकते हो, आप खुद से ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग करने के बाद आप उस पर पब्लिश कर सकते हो। द लास्ट दोस्तों, मैं तो बेस्ट ऑप्शन मानूंगा यूज टेम्पलेट कीजिए, क्योंकि आपके पास प्री डिफाइंड आता है, आपको जस्ट मॉडिफाई करना होगा। आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। इवेंट मैनेजमेंट का मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पे हमें दिखेगा, और मैं लाइव आपको मैं दिखाऊंगा ऐप पे कैसे दिखेगा। मेरे वीडियो में बने रहिए एंड तक, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे पब्लिश करना है। अभी मैं इवेंट मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप इवेंट मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, आपको आएगा वर्कबुक सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये वर्कबुक क्या है दोस्तों, ये एक एक्सेल शीट के जैसा होता है जिसमें क्या है, एक टेम्प्रेरी डाटा पड़ा हुआ है आपका। क्या है, आप टेबल पे क्रिएट करके आप देख सकते हो ये सारे आपके वर्कबुक हैं। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगा, ये इस इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगा दोस्तों। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसमें प्री डिफाइंड डाटा डाला हुआ है, अमेजॉन स्मार्ट है पहले से डाल रखा है। उसके बाद क्या है, आपका कैटेगरीज क्या क्या होंगे आपके सेशन के, इसमें तीन कैटेगरीज डाले हुए, डेट क्या क्या होंगे, आप कुछ भी करके आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सिंपल एज अ एक्सेल शीट की जैसा है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूँ डिज़ाइन की ओर। अब डिज़ाइन की ओर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको बिल्डर्स पे क्लिक करना है। जैसे कि आप बिल्डर्स पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा इवेंट मैनेजमेंट लिखा हुआ, और नीचे में ऐप्स आएगा, उसका नाम लिखा आएगा, प्रोडक्ट कॉन्फिग अटेंडेंस, ये मेरा ऐप का नाम है तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आया है। मैं क्या करूँगा, कि आपके पास पहला स्क्रीन आ रहा है सेशन का, ये आपके इधर के आपके टैब्स होते हैं, ये आपको उसके प्रॉपर्टीज़ दिखाता है दोस्तों। ये नीचे टैब्स होता है, मेरे ऐप में ऐसे दिखेगा। मैं चाहूँगा तो मैं डिज़ाइन इसको चेंज करके मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ और बना सकता हूँ। मैं अभी सबसे पहले जा रहा हूँ सेशन में अपना कुछ नाम ऐड करने का, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको कि ये वर्क करता है। तो मैंने कर दिया दोस्तों, इसमें नाम चेंज कर दिया मैंने, इसका डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसमें डबल बार कर दूंगा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हो, आप इसके बॉक्स को आप उठा के यहाँ कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो डिज़ाइन को, और इसको बीच में ला सकते हो। जी हाँ, मैं ऐसे करना का अगर चाहूँ दोस्तों, तो मैं ये डिज़ाइन पसंद किया है, मैं आपको दिखाऊँगा लाइव अभी जाके कैसे ये डिस्प्ले होगा। इसी तरह मैं दूसरे टाइप में जाता हूँ, ये डिटेल्स है उसकी, ये डिटेल्स में आप क्या क्या है, जैसे आपका है जितने सारे टाइप्स दिए हुए थे उसके कैटेगरीज हैं। माय एजेंडा में आपके कितने एजेंडे थे दोस्तों, कितने बजे कौन सी मीटिंग है वो दिखेगा। स्पीकर, ये आपका स्पीकर कौन सा है उसकी डिटेल्स मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसकी डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें देख सकते हो लिस्ट आ रहा है बहुत सारे लोगों का, जिनके जिनके डाटा सेल्स है उनके लिस्ट आ रहे हैं ऐसे के, उन आप उनके बारे में चेंज कर सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअली जाके दोस्तों। अब जैसे कि ये आप मेरा भी नाम आएगा इसमें, जैसे ये आया मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना है मैंने, और मैं अपने बारे में यहाँ पे लिख दूंगा हेलो। आप देख सकते हो मैंने ये चेंज कर दिया, मैं सेव नहीं करूँगा अभी इसको। उसके बाद आप कैटेगरीज पे जाना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब एक साथ सेव होते हैं विद इन अ सेकेंड। अब देख सकते हो ऊपर सेव चेंजेस का ऑप्शन आया, विद इन अ सेकेंड चेंज हो गया दोस्तों, आपको डाटा डालने का डर नहीं है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में भी आप कुछ भी डाल सकते हो।
ये तो ऐप था, इसमें ये मोबाइल व्यूज था, ये वेब व्यूज है दोस्तों। आप इसको चेंज करके किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो। मेरे वेब में अगर मैं खोलूँगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, ऐप में खोलूँगा तो ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। व्यू ऐप पे क्लिक करना आपको। अब जैसे ये व्यू ऐप पे क्लिक करेगा आपको सबसे पहला आएगा डेस्कटॉप व्यू। जी हाँ, आपको वेब व्यू आएगा, आप उसको देख लीजिए। अब उसके बाद मैं आपको फ़ोन स्क्रीन पे ले जाके उस ऐप्स के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और आप करना क्या है आपको। मैं सारी डिटेल्स अभी बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको अपने फ़ोन स्क्रीन पर ले जाके मैं पब्लिश करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आप जब शेयर ऐप करोगे तो दोस्तों ये शेयर हो जाएगा आपके टीम मेंबर्स के साथ। करंटली मेरे कोई भी टीम मेंबर्स नहीं है, इसलिए ये सेव्स नहीं हो रहे हैं। मैंने भेजा नहीं है, मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपको जानना है कि कैसे टीम मेंबर्स ऐड करते हैं तो आप मुझे नोटिफाई कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टीम मेंबर्स ऐड करते हैं। आप मेरे फ़ोन स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कौन सी ऐप है वो, उसका नाम है दोस्तों अमेजॉन हनी कोड। जी हाँ, आपको लिखना है अमेजॉन हनी कोड, आपको ऐसा आ जाएगा अमेजॉन हनी कोड का ब्राउज़र। अभी इंस्टॉलेशन बहुत कम हुए हैं, अभी नए हैं, फिर भी आप देख सकते हो 10 दिन पहले रिलीज़ हुआ हुआ चीज़ अभी भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। धीरे धीरे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपको जो भी ऐप्स आप बनाएं आपको यहाँ दिखेगा। आपको कोई डीबी सेटअप नहीं करना, आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारा टेक केयर अमेजोन कर रहा है दोस्तों आपके लिए। आप ये स्मॉल बिजनेस है इसके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये। आप इसमें कर सकते हो, आप सारा ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी स्मॉल सेलर्स है वो भी अपने डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप एक बार इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लोगे, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको उसको ओपन करना है और सेम एज जैसे आपने अपना लॉगिन लैपटॉप में किया था या मोबाइल पे किया था पहले अमेजॉन हनी कोड की वेबसाइट पे, सेम इसमें आपको रजिस्टर करना है या फिर लॉगिन करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी रजिस्टर कर लिया हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपका पोर्टल कैसा दिखेगा। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ ऐसा आ जाएगा दोस्तों। जब ऐसा आ जाएगा क्या होता है, करना होता है गेट पे और आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आगे जाओगे आपको आपको जो ऐप आपने बनाया है वो ऐप आपको दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हो मुझे ऐप दिखा, उस पर मैंने क्लिक किया, ये बिल्कुल आपके ऐप के जैसा ओपन कर देगा उस पोर्टल को। जी हाँ दोस्तों, ये एक यही वे है जिससे आप अपने अमेजॉन हनी कोड्स के बनाए हुए ऐप्स को देख सकते हो। ये देखिए अब कितना ही खूबसूरत और बेहतरीन से ऐप्स है, सारे नेविगेशन बार्स की तरह मुझे यहाँ दिखा रखा है। आप बिल्कुल और ऐप की तरह भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, डिज़ाइनिंग डाल सकते हो। मैंने डिज़ाइन, अगर कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो हमें कमेंट कीजिए अभी, तो मैं इसके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बना के आपको दूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और इंक्वायरी है आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ आपके लिए।